नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की ताजे तरीन खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। एसडीओ राजेश प्रजापति ने मुफस्सिल थाना में की बैठक, असामाजिक तत्वों से निपटने के उपायों पर की चर्चा। झारखंड विकास मोर्चा की विशेष बैठक आयोजित, बैठक में जेवीएम जिला कमेटी का किया गया पुनर्गठन। के एन बख्शी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर की गई चर्चा। और सीसीएल डीएवी स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में आक्रोश, मामला सुलझाने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू पहुंचे स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। एसडीओ राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में मुफस्सिल थाना में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में असामाजिक तत्वों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। एसडीओ राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में सोमवार को मुफस्सिल थाना में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में असामाजिक तत्वों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रशासन के कार्य करने, संसाधनों की व्यवस्था करने तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने आदि पर चर्चा की गई। बैठक में डीएसपी विनोद रवानी, थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, मोहम्मद असदुल्ला, मोहम्मद गांधी, सैफ अली, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद बुलंद अख्तर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। एक महीने से लगातार कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं और कुछ खास एरिया में ही घटना घटित हो रही है, इसीलिए कुछ लोगों से चर्चा के लिए बुलाया गया था और उसमें उनका मंतव्य और सहयोग की अपेक्षा किया गया था और साथ में उस दृष्टिकोण से प्रशासन क्या कदम उठा सकता है और उसमें कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ सकती है और उसकी कहां से इतने उसके व्यवस्था हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए, ताकि विधि व्यवस्था बनाने में अमन चैन कायम करने में सहूलियत हो सके, इसीलिए आज कुछ चर्चा के लिए कुछ लोगों को बुलाया। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवास में जेवीएम की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गिरिडीह जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवास में जेवीएम की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश राम ने की। इस बैठक में गिरिडीह जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष महेश राम, जिला उपाध्यक्ष सहदेव शर्मा, विनोद वर्मा, सिकंदर हेमरम, सुरेश प्रसाद मंडल, रामचंद्र यादव, सदानंद साव, रेणुलाल चौरसिया, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद वर्मा, जिला सचिव अरविंद गुप्ता, सुकेज हेमरम, बम शंकर उपाध्याय, प्रकाश सिंह, अशोक यादव, बबीता जायसवाल, राजेंद्र राम, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ गोप, जिला प्रवक्ता प्राण वल्लभ भक्त, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, मीडिया प्रभारी सुनील गोस्वामी, सोशल मीडिया प्रभारी दिवाकर पाठक समेत कुल 71 सदस्य कमेटी की पुनर्गठन किया गया। इसके बाद मंच मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची भी मनोनीत की गई, जिसमें युवा मोर्चा मुन्ना सिंह, महिला मोर्चा आसमा खातून, अनुसूचित जाति मोर्चा गोपी रविदास, अनुसूचित जनजाति मोर्चा रंजीत किस्कू, अल्पसंख्यक मोर्चा मंजूर अंसारी, किसान मोर्चा रविन्द्र यादव, मजदूर मोर्चा राजू यादव, कला व संस्कृति मंच टुनटुन दुबे शामिल हुए। रामचंद्र यादव जी, श्री सदानंद साहब जी और श्री रेणु चौरसिया जी को स्वागत और सचिव के रूप में श्री अरविंद गुप्ता जी, सुकेश हेमरम जी, कमशंकर उपाध्याय जी, कुसुम सिन्हा जी, श्रीमती तनुजा सहाय जी को प्रवक्ता की जिम्मेवारी दिए हैं और मीडिया प्रभारी के रूप में श्री सुनील गोस्वामी जी को यहाँ जिम्मेवारी दिए हैं और सोशल मीडिया के रूप में हम बनाए हैं, जिसमें अशोक सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, प्रकाश सिन्हा जी, चक्रधारी वर्मा जी और मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में श्री मुन्ना सिंह जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं और मुखिया हैं, उसे जुआ मोर्चा का जिलाध्यक्ष हम लोग मनोनीत किए हैं और महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मंजूर अंसारी जी को इसको जिम्मेवारी दिए हैं और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में श्री रविंद्र यादव जी को जिम्मेवारी दिए हैं और मजदूर मोर्चा के रूप में श्री राजू यादव जी को जिम्मेवारी दिए हैं और कला संस्कृति मंच के अध्यक्ष के रूप में श्री कुलदीप सुबे जी को यह जिम्मेवारी हम लोगों के मनोनीत किए हैं और अनुसूचित मोर्चा के रूप में श्री गोपी रविदास जी को हम लोग मनोनीत किए हैं।
आदिवासी मोर्चा में शरीक हो। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवक्ता नूनूलाल मरांडी, अजय रंजन सिंह, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर एच एन देव, सुमन सिन्हा, नवीन सिन्हा, राजेश जायसवाल, मनोज संघई, मनोज मौर्य, अनुसूचित मोर्चा के केंद्रीय सचिव टेको रविदास, जिला महासचिव महेंद्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, सुरेश प्रसाद मंडल, जगन्नाथ गोप, राजेंद्र राम, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अस्मा खातून, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुन्ना सिंह, मनोज तुरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह जिला के जैसे केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जिला कमेटी बनानी थी, आज पूर्ण रूप से पूरे प्रखंड में पूरे जिला का और पूरे मंच मोर्चा का भी और प्रत्येक प्रखंड का प्रखंड अध्यक्षों की भी आज घोषणा हो गई है। और हम खास करके तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जो झारखंड की जनमुद्दा है उसको लेकर के या संगठन को किस प्रकार से मूर्त रूप देना है उसको लेकर के आगे जो बाबूलाल मरांडी के जो विजन है उस विजन को आगे ले जाने का काम सब मिल करके करेंगे, यही मेरी आशा और यही मेरी उम्मीद रहेगी। आज झारखंड विकास मोर्चा देश का जिला कमेटी की घोषणा अपने पार्टी के नेता और हम सब के गुरुदेव प्रोफेसर देव साहब, अपने पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता श्री नूनलाल मरांडी जी, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता अजय रंजन सिंह जी और पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्री नवीन सिन्हा जी, सुमन सिन्हा जी, राजेश जायसवाल जी, मनोज संघई जी, मनोज मौर्या जी और अपने पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भाई विनोद वर्मा जी, सुरेश मंडल जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती आसमा खातून जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई नवीन सिंह मुन्ना सिंह जी, तमाम साथियों हेलो के उपस्थिति में आज हम लोग जिला कमेटी की घोषणा कर रहे हैं। और इस कमेटी में हम तमाम वर्गों को समाहित करने का प्रयास किए हैं। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग झारखंड विकास मोर्चा की पूरे कमेटी की घोषणा कर रहे हैं। उसमें 71 लोगों की कमेटी है संगठन की और 38 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और अपने मंच मोर्चा के जिला अध्यक्षों को भी घोषणा हमने 8 मोर्चा के अध्यक्षों की घोषणा आज किया है। और तमाम साथी आज इस कमेटी की घोषणा के बाद अपने कामों में लगेंगे, यही उम्मीद है और यही आशा के साथ। अभी अभी गिरिडीह जिला झारखंड विकास मोर्चा का पुनर्गठन हुआ है और सारी बातें आपके हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं नूनूलाल जी, जिला अध्यक्ष भाई जी ने सारी बातों को रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिला कमेटी का पुनर्गठन हुआ है मजबूती के साथ पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा उसे जोशों खुरोश के साथ पूरा करेंगे ताकि पूरे झारखंड राज साथ साथ गिरिडीह के जनता इसे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। सीसीडीवी स्कूल में फीस बढ़ोतरी का अभिभावकों ने जोरदार विरोध किया है। मामले को सुलझाने को लेकर सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू स्कूल पहुंचे। गिरिडीह सीसीएलडीएवी में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहे अभिभावकों का आंदोलन को आज लगभग 1.5 वर्ष होने को है, लेकिन मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फीस में अंधाधुंध बढ़ोतरी के कारण अभिभावकों ने कई दफा स्कूल के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां प्रबंधन ने अभिभावकों की एक न सुनी। इसके बाद अभिभावकों द्वारा मामले को न्यायालय ले जाना पड़ा, जहां अभिभावकों का मानना है कि मामले की सुनवाई को अभी और भी दिन लग सकते हैं। अभिभावकों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी में हुए इजाफे के कारण अभिभावकों द्वारा स्कूलों में फीस जमा कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है, जिसके कारण बच्चों को परीक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा रोका जा रहा था,
जिसके बाद ही मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू अभिभावक संघ सीसीएल डीएवी पहुंचे, जहां पर सीसीएल के एरिया जीएम पी वाजपेयी, स्कूल प्रधानाध्यापक समेत आला अधिकारियों से बैठक कर निर्णय लिया गया कि फीस बढ़ोतरी के बाद अभी तक जितने भी फीस अभिभावकों को जमा करनी है उसका 50% जमा करा के उनके बच्चे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि न्यायालय का फैसला आने के बाद न्यायालय के फैसले को दोनों पक्ष अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन को मान्य होंगे। आज अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट के बीच एक फीस बढ़ोतरी को लेकर के एक मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो बढ़ा हुआ फीस है उसको आधा करके एक जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आता है तब तक ये फीस जमा कर देना है। ट्रिब्यूनल में जो भी निर्णय होगा वो दोनों पक्ष को मान्य होगा। 20 तारीख के अंदर ये बढ़ा हुआ फीस जो है उसको जमा कर देना है। माननीय विधायक जी भी आए थे, माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी और जीएम साहब और प्रशांत वाजपेयी जी के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जिसको सारे अभिभावक ने स्वीकार किया। केन बख्शी कॉलेज बेंगाबाद में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएड एवं डीएलएड के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। केन बख्शी कॉलेज बेंगाबाद में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केन बख्शी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच का संचालन प्रोफेसर नूतन शर्मा ने किया। इस मौके पर बीएड एवं डीएलएड के छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी सिन्हा ने कहा कि यह बहुत ही गौरव का क्षण है कि केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इसमें सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्र कुमार, उप प्राचार्य प्रोफेसर अजित कुमार सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर सीमा कुमारी, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, डॉक्टर राजेश रविदास, प्रोफेसर गौतम कुमार गुप्ता, प्रोफेसर सुमित सहगल, प्रोफेसर शंकर सिंह सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। संगीत एक ऐसी चीज है जो सौंदर्य, सहृदय और भावना की अभिव्यक्ति का निर्माण करता है। जर्मनी के 3 लाख से अधिक है, सिंगापुर के 75,000 से अधिक है, और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब इसका हम अनुपात निकालते हैं तो भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या 1% से भी कम है। हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस सभागार में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम कैसे इस रास्ते को बढ़ेंगे, हम इस मार्ग को, इस खाई को कैसे बांटेंगे। विषय बहुत महत्व का है, अभी तक अनौपचारिक रूप से इस विषय पे चर्चाएं होती हैं हर फोरम पर, अब ये नए सिरे से राष्ट्रीय मंचों पर ये आ रहा है विषय, यानी पूरे लोगों का ध्यान अब शिक्षा पर, गुणवत्ता पर और इस ओर जा रही है। अभी तक समाज का ध्यान इधर नहीं था,
अभी तक शिक्षा केवल रोजगार और बाकी चीजों तक ही सीमित था, लेकिन अब राष्ट्रोत्थान में शिक्षा कितनी बड़ी महत्व का विषय होगा, इस विषय को अब लोगों ने समझा है, और जब से समझा है अब ये राष्ट्रीय बहस का विषय है। आज अगर देश के सामने सबसे इम्पॉर्टेंट इशू कोई है तो ये है। इस बहस से, इस सेमिनार से ही इसका हल निकलेगा, और इस पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और आने वाली पीढ़ी जितना इस लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करेगी, विद्वानों की टोलियाँ हर क्षेत्र से, उतना ही इसका सही और सही जो निराकरण होगा वो होगा, और वो देश के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद। विकास में और समाज के विकास में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। हमारे भारतवर्ष का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है, जब जब शिक्षा का विकास हुआ है तब तक राष्ट्रोत्थान हुआ है और राष्ट्र हमारा मजबूत हुआ है, और जब जब शिक्षा का ह्रास हुआ है तब तक राष्ट्र का पतन हुआ है। आज आज़ादी के 70 सालों के बाद जितनी भी सरकारों के द्वारा पहल ली गई है, आज वो समय आ गया है कि शिक्षा को पे फिर से बल दिया जाए। डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल में रविवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल में रविवार को वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि गिरिडीह कोलेरी के महाप्रबंधक प्रशांत वाजपेयी, पीओ विनोद कुमार ने किया। वार्षिक समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्र छात्राओं ने नृत्य, शिव शक्ति नृत्य, अंग्रेजी संगीत, गुजराती व लघु नाटिका प्रस्तुत कर समा बांध दिया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वार्षिक समारोह में डीएवी के झारखंड जोन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उर्मिला सिंह, बोकारो सेक्टर 6 के प्राचार्य अभिनव कुमार, कार्मिक प्रबंधक राजीव कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। नाली निर्माण की गुणवत्ता की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। शहरी क्षेत्र के पचम्बा कोयरी टोला में ठाकुर महतो के दुकान के समीप सरकारी योजना से हो रहे नाली निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। नाली निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि नाली पर की गई ढलाई ग्रामीण हाथ से उखाड़ दे रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने नाले निर्माण में हो रहे अनियमितता को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नाले निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग की है और संबंधित विभाग और ठेकेदार पर कार्रवाई की भी मांग की है। बोलो क्या क्या प्रॉब्लम? इसमें जो रॉ मटेरियल मिला है बहुत ही घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल दिया और सीमेंट भी बहुत कम मात्रा में, सिर्फ बालू ही दिया गया है। और जिस ठेकेदार ने इस नली को ढाला उसको फिर से उसका बिल को रोका जाए और इसका निर्माण फिर से किया जाए ताकि इसमें कोई आदमी गिर के उसका पैर हाथ ना टूट जाए, जिसके लिए मैं सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि इसका फिर से बिल को रोका जाए और इसका फिर से निर्माण किया जाए ताकि आने वाले समय में अच्छा से अच्छा प्रगति में कार्य बन सके। नली का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है, जो हुआ है इस मटेरियल सही प्रयोग नहीं हुआ है, इतना कहना चाहते इसको बढ़िया से निर्माण किया जाए। बोलो नली के विषय में। ये जो नली बनाया गया है, जो भी ठेकेदार लिया गया है, सही ढंग से नहीं बनाया गया है नली को, जो कि इस्टीमेट के द्वारा बनना चाहिए वो इस्टीमेट के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसमें 3 एक का मसाला देने के सिवाय लोग 6 एक का, कहीं 7 एक का देके बनाया गया है, जो कि इस्टीमेट में 4 इंची ढलैया है वो सिर्फ 1 इंची 1.5 इंची करके ढाल के निकल गया है और 10 mm का रड जहाँ देने का है वहाँ 1 फीट पर बांधा है 8-8 mm का, ताकि 2 से 3 साल होते होते ये नली का निर्माण पूरा तहस नहस हो सके। और हमें ये भी निवेदन है कि इसका जांच किया जाए और फिर से सरकार का आदेश से बनाया जाए कि बढ़िया से बढ़िया नली निर्माण हो। नली बना है, एक जरा सा भी मसाला नहीं है। इसको ठेकेदार को बोलता है जो करना करो ऐसे ही ढालेंगे, सीधे बोलता है कि हम ऐसे ही ढालेंगे, ढालना ढाला नहीं ढालना छोड़ देंगे ऐसे ही, वही बोलता है ठेकेदार। पचम्मा के तितरिया मैदान में नसीमुद्दीन खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 के दूसरे दिन होम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम ICCL धनबाद के बीच मैच खेला गया, जिसमें होम इलेक्ट्रॉनिक्स ने जीत हासिल की। नसीमुद्दीन खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन पचम्बा तेतरिया ग्राउंड में दूसरे दिन होम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम ICC धनबाद के बीच खेला गया। होम इलेक्ट्रॉनिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 8 विकेट खोकर 289 रन बनाया। निशांत ने शानदार 81 रन व कुमार अंकित ने 44 रन की पारी खेली। वहीं गेंदबाजी करते हुए ICC धनबाद के अमन ने 3 विकेट चटकाया। जवाबी पारी खेलते हुए ICC धनबाद ने 30 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 125 रन ही बनाया। विशाल ने 30 रन की पारी खेली। वहीं गेंदबाजी करते हुए कुमार अंकित ने 3 विकेट चटकाया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले निशांत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में आयोजक मंडली के अनु खान, कासिम खान, गोल्डू खान, अमित साहू, इमरान खान, गावर खान, जूली खान, सबा खान, अली, सुंदर पांडे, मुकेश कुमार, पीकू मित्रा, उत्तम सामंतो सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज की इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।